वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं गणित प्रकाश कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 12 क्षेत्रमिति। पहला प्रश्न है, किसी आकृति का परिमाप होता है। एक तलीय बंद आकृति की परिसीमा का माप, एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी, बंद आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई की माप या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही सही है बच्चों, तो हम यहाँ पर टिक करेंगे ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। किसी आकृति का क्षेत्रफल होता है। एक तलीय बंद आकृति के बीच क्षेत्र की माप, यानी एक तली अगर इस तरह की आकृति है तो उसके बीच का जो बंद क्षेत्र है उसकी माप, एक समतल बंद आकृति द्वारा घिरे हुए क्षेत्र की माप। तो दोनों सेम ही चीज़ है, तो हम टिक करेंगे ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट कह रहा है, दिव्यांशु अपने खेत को पशुओं से सुरक्षित करने के लिए चारों तरफ तार लगाना चाहता है, उसे क्या ज्ञात करना चाहिए। तो जब लिखा है चारों तरफ, तो जहां लिखा होगा चारों तरफ तो वो होगा परिमाप, तो हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, चारों तरफ मीन्स परिमाप, क्योंकि परि का अर्थ ही होता है चारों ओर। निम्नलिखित आकृतियों का परिमाप निकालिए। अब देखिए, ये एक आकृति है जिसकी सभी भुजाएं ए इकाई की हैं, तो इसकी परिमाप क्या होगी, सबको एड अप कर देंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी 4a, या हम इसको लिख सकते हैं 4 × भुजा। और यह आकृति कौन सी है, वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या हो गया, 4 × भुजा। इसी तरह हमें आयत के परिमाप का फॉर्मूला निकालना है, तो देखिए इसकी लंबाई है बी इकाई और चौड़ाई है ए इकाई, तो हम कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, यानी a प्लस ए प्लस बी प्लस बी। अब इसको कॉमन ले लेंगे तो 2a प्लस 2b, 2 को कॉमन ले लीजिए तो हो गया 2 a प्लस बी, यानी आयत की जो परिमाप है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 × लंबाई धन चौड़ाई का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम सबको ऐड अप कर लेंगे तो 4 + 3 + 1 + 1 + 3 = 12 cm। इसका परिमाप निकालना है तो इसको भी ऐड अप करते हैं, 2 + 2 + 5 + 5 + 1 + 1 + 3, टोटल 19 meters। इकाई वही लिखी है बच्चों जो यहाँ लिखी हुई है। अब इस बुक के ऊपरी फलक का परिमाप बताना है केवल, तो देखिए 15 + 7 + 15 + 7, या आप दूसरी तरह भी लिख सकते हैं 2 = 15 + 7। अभी हमने पीछे निकाला तो 2 × 22 = 44 cm। फिर कह रहा है मोबाइल के ऊपरी फलक का परिमाप, तो ये देखिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 × 5 / 3, यानी 2 × 8, यानी 16 cm। नेक्स्ट देखिए, इस आकृति का निकालना है तो 3 × 2 / 15 × 1 × 2 / 1 क्या हो जाएगा हमारा, 24 meters। आकृति है, इसका परिमाप निकालना है तो हम निकाल लेंगे तो 12 × 4 × 8 × 3 × 6 × 5 × 3 × 10 × 4, टोटल को जोड़ेंगे तो आएगा 55 meters। अब कह रहा है कि अंश अपनी मेज के ऊपरी तल पर वर्गाकार रंगीन कागज के टुकड़े सजा रहा है, चित्र देखकर बताएं। अब चित्र देखकर हमें बताना है कि मेज पर कितने रंगीन वर्गाकार कागज के टुकड़े लगा चुका है, तो इसको हम काउंट कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 इधर है, 1 2 3 4 5 6 6 × 35 यहाँ पे हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 38 कागज के टुकड़े वह लगा चुका है। फिर कह रहा है कितने रंगीन वर्गाकार कागज के टुकड़े लगाना बाकी है, तो आप चित्र में फिर से देखिए, तो 1 2 3 4 कितने लगाना बाकी है, 4, तो हम ऑप्शन में लिख देंगे 4। फिर कह रहा है मेज के तल को पूर्ण रूप से ढकने के लिए लगे रंगीन वर्गाकार कागज के कुल कितने टुकड़े चाहिए, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। अभी हमने निकाला इसका 38 है, बचा हुआ 4 है, आप जोड़ लीजिए तो भी आएगा आपका 42, या आप काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इधर है और 1 2 3 4 5 6 6 इधर है, तो 7 × 6 करेंगे, 7 × 6 = 42। फिर कह रहा है लंबाई में अधिकतम कितने रंगीन वर्गाकार कागज के टुकड़े लगे हैं, तो लंबाई में भी हमने गिना 7 लगे हैं, चौड़ाई में अधिकतम रंगीन वर्गाकार कागज के टुकड़ों की संख्या कितनी है, तो 6 है। तो अब कह रहा है लंबाई में लगे वर्गाकार कागज के टुकड़ों की संख्या / चौड़ाई में लगे वर्गाकार कागज के टुकड़ों की संख्या बराबर मेज के तल का क्षेत्रफल,
यानी 7 × 6 = 42 और मेज के आयताकार तल का क्षेत्रफल कितना हो गया 42 वर्ग इकाई। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा किसी तल को ढकने में लगे वर्गाकार टुकड़ों की कुल संख्या उस तल का क्षेत्रफल कहलाता है। आयताकार आकृति का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई वर्ग इकाई। नीचे दिए गए चित्र में एक छोटा खाना 1 cm × 1 cm² का है। चित्र में दिए गए आकृतियों के क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए आयत ABCD का क्षेत्रफल, वर्गों को गिनकर निकाल लेते हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो कितना है 28 वर्ग सेंटीमीटर। लंबाई में लगे वर्गों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चौड़ाई में लगे वर्गों की संख्या 1, 2, 3, 4। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे हम निकालेंगे 7 × 4 यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हो गया आपका तब भी आएगा क्या 7 × 4 यानी 28 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह कह रहा है आप इस आकृति ABCD का यानी वर्ग का भी क्षेत्रफल निकालिए। तो गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। टोटल कितना आया 16। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए 1, 2, 3, 4 इधर भी, 1, 2, 3, 4 इधर भी। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, यानी भुजा का वर्ग क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, तो हो जाएगा 4 × 4 यानी 16 सेंटीमीटर। देखिए दोनों सेम है। फिर कह रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए अब ये एक वर्ग है, अगर हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये पूरे का आधा है। कितना है, पूरे का आधा। तो हम इसको लिख सकते हैं आधा यानी 1/2 आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई में कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 खाने इधर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 खाने इधर, तो यानी 9 × 6 हो गया हमारा आयत का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 × 9 × 6, तो 1/2 × 54 हल करने पे आ जाएगा हमारा 27 वर्ग सेंटीमीटर। मिलते हैं।